हेलो एवरीवन आज के वीडियो लेक्चर में हम डिजिटल सिग्नेचर्स के बारे में पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नेचर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब हम बात करते हैं ई e कॉमर्स की या फिर कोई भी ऑनलाइन पोर्टल पे अगर हम कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं देन डिजिटल सिग्नेचर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट तो डिजिटल सिग्नेचर होता क्या है और ये कैसे काम करता है वो आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे सबसे पहली बात जो डिजिटल सिग्नेचर है दैट इज बेस्ड ऑन ए सीमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी अब ए सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का मतलब है टू डिफरेंट कीज विल बी यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन आउट ऑफ दिस टू डिफरेंट कीज वन की विल बी यूज फॉर इंक्रिप्शन एंड द अदर पेयर और द अदर की ऑफ द पेयर विल बी यूज फॉर डिक्रिप्शन एंड द इंक्रिप्शन इज़ डन विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट की जो इंक्रिप्शन है वो आपका प्राइवेट की से होता है और जो डिक्रिप्शन है वो पब्लिक की से होता है और जो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात याद रखनी है वो याद रखनी है दैट डिजिटल सिग्नेचर्स आर यूज फॉर ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेप्यूडिएशन ये अभी मैं आपको बताऊँगा कि इन दोनों का मतलब क्या है और डिजिटल सिग्नेचर से हम ये दोनों सिक्योरिटी गोल्स कैसे अचीव करते हैं बट इफ दैट डिजिटल सिग्नेचर्स आर यूज्ड फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी देन नो डिजिटल सिग्नेचर्स आर प्राइमरली यूज फॉर ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेपूडिएशन तो आइए देखते हैं कि एक डिजिटल सिग्नेचर कैसे काम करता है तो डिजिटल सिग्नेचर के कंसेप्ट को यूज़ करने के लिए मैं एक डेली लाइफ का एग्जांपल ले रहा हूँ जिसे आपने भी कभी ना कभी अपनी लाइफ में फेस किया होगा सपोज आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ वन मोबाइल कंपनी वन मोबाइल कंपनी देर इज़ वन मोबाइल कंपनी और एक हमारे पास यहाँ पे यूज़र है एंड देर इज़ वन यूज़र अब इस मोबाइल कंपनी को इस यूजर को बिल भेजना है एंड दैट बिल शुड बी डिजिटली साइंड और इसका क्या मतलब है कि इस बिल को मोबाइल कंपनी अपने डिजिटल सिग्नेचर से साइन करेगी अब पहले तो ये देखते हैं कि डिजिटल सिग्नेचर से वो कैसे साइन करेगी और कैसे यूजर उसे डिक्रिप्ट करेगा अब देखिए होता है क्या है कि मोबाइल कंपनी जो है डेट इज़ एक्चुअली अ सर्वर और इस मोबाइल कंपनी ने यूज़र के लिए टू सेट ऑफ कीज़ प्रिपेयर करके रखी हैं वन की इज़ प्राइवेट की दिस प्राइवेट की कीप्स विद द मोबाइल कंपनी और इट रिमेन्स विद दी मोबाइल कंपनी डेट इज़ वाई इट इज़ नोन एज प्राइवेट की एंड द अदर पेयर ऑफ दिस प्राइवेट की दैट इज द पब्लिक की इज सेंड टू द यूजर क्लियर अब देखिए होगा क्या जो बिल ये मोबाइल कंपनी अपनी प्राइवेट की से इंक्रिप्ट करेगी उसको ये यूजर अपनी पब्लिकी से डिक्रिप्ट करेगा दैट इज़ हाउ डिजिटल सिग्नेचर वर्क बट नाउ द क्वेश्चन कम्स इफ वी आर नॉट यूजिंग दिस इंटायर प्रोसेस फॉर कॉन्फिडेंशियलिटी देन वट इज़ द यूज़ ऑफ़ यूजिंग अ डिजिटल सिग्नेचर तो उसका यूज़ क्या है वन यूज़ इज ओथेंटिकेशन अब देखिए मोबाइल कंपनी ने बिल को डिजिटली साइन किया था अपनी प्राइवेट की से और उसे ये यूज़र उसी प्राइवेट की के कॉरस्पॉन्डिंग पब्लिके से डिक्रिप्ट कर पा रहा है दैट मीन्स द यूज़र बिलीवस और द यूज़र नाउ मेक श्योर दैट द बिल कम फ्राम द ओथेंटिक मोबाइल कंपनी अगर ये यूज़र अपनी पब्लिकी से इसके डिजिटली साइंड बिल को डिक्रिप्ट कर पा रहा है दैट मीन्स जो बिल है वो एक ऑथेंटिक मोबाइल कंपनी से आया है तो ओथेंटिकेशन का पर्पज़ सॉल्व हो गया नॉन रेपूटेशन का मतलब होता है कि लेटर जो सेंडर है वो अपनी बात से मुकर ना जाए कि उसने नहीं भेजा था तो अब इसमें क्या होगा कि नॉन रेपुटेशन कैसे अचीव हो रहा है अगर एक यूज़र कहता है कि उसको गलत बिल मिला सपोज यूज़र को बिल वन मिला फ्रॉम द सेम कंपनी और इस बिल में कुछ प्रॉब्लम थी बिल के अमाउंट जो थी वो ज़्यादा थी अब क्योंकि इस यूज़र ने इस बिल वन को भी अपनी पब्लिकी से डिक्रिप्ट किया दैट मीन्स द बिल वन हैज़ केम फ्रॉम दिस मोबाइल कंपनी ओनली सो लेटर इफ द डिस्प्यूट गोज़ इन द कोर्ट दैन द यूज़र वन कैन डिजिटली प्रूव दैट द बिल वन कॉपी और द फाइल केम फ्रॉम द ऑथेंटिक सर्वर मोबाइल कंपनी एंड इन द कोड दिस मोबाइल कंपनी कैन नॉट डिनाई दैट और इट कैन नॉट से दैट दे हैव नॉट सेंड द कॉपी ऑफ दिस बिल वन क्योंकि उनकी प्राइवेट की से इंक्रिप्ट फाइल को इस यूजर ने अपनी पब्लिकी से डिक्रिप्ट किया है सो दैट इज़ हावर नॉन रेप्यूडेशन इज अचीव विद द हेल्प ऑफ डिजिटल सिग्नेचर्स so this is about the डिजिटल सिग्नेचर्स that why it is used in authentication and नॉन repudiation तो so, आप इसका जो एक स्ट्रक्चर है वो कैसे बना सकते हैं अगर एग्जाम में आता है तो मैं एक कॉमन स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पे सपोज देर इज अ सेंडर तो जो सेंडर होगा वो प्लेन टेक्सट को सेंडर जो होगा वो प्लेन टेक्स्ट को इंक्रिप्ट करेगा प्राइवेट की से आफ्टर इंक्रिप्शन ऑफ दिस प्लेन टेक्स्ट विद टेक्सट प्राइवेट की दिस बिकम साइफर टेक्स्ट एंड द साइफर टेक्स्ट नाउ ट्रेवल्स टू द रिसीवर इट ट्रेवल्स टू द रिसीवर रिसीवर रिसीव्स दिस साइफर टेक्स्ट एंड देन डिक्रिप्ट विद द Public key decrypt with public key, and after decryption, it receives the plain text and can be easily read by the receiver. So, this is the complete process of digital signatures. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more tutorials on network security, Java, database, and other computer science related subjects. Thank you.